दोस्तों IPL 2025 के ऑक्शन का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है और इस बार ऑक्शन में आपको एक चमत्कार होता हुआ नजर आ सकता है और ये चमत्कार होगा कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए नहीं बल्कि RCB के लिए ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। जी हां, आपने सही सुना, IPL 2025 में आपको रोहित शर्मा नीली नहीं बल्कि लाल और काली जर्सी में नजर आ सकते हैं और इस बार वह RCB के लिए बड़े बड़े चौके और छक्के लगाते हुए नजर आ सकते हैं। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा हर अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल RCB को नया कप्तान चाहिए, ये 101% क्लियर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB ये टाइटल तो नहीं जीत पाए लेकिन एक बड़ी और पॉपुलर टीम है, इसमें कोई शक नहीं है और इसको अब एक नया कप्तान चाहिए। फाफ डुप्लेसिस अब रिटेन नहीं होंगे। RCB ने मन बनाया है कि फाफ डुप्लेसिस को अब रिटेन नहीं करेगी। फाफ डुप्लेसिस की जो उम्र है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और जो रिटेन करने वाले पैसे है RCB वो फाफ डुप्लेसिस पे खर्च करना नहीं चाहती। ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़ होता तो दे देते लेकिन उनको 12 करोड़ 14 करोड़ और 18 करोड़ देने पड़ेंगे, इसलिए रिटेन नहीं करेगी। विराट दोबारा कप्तानी नहीं करेंगे, उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि दोबारा कप्तानी वाली जो टोपी है उसको नहीं पहनेंगे। तो ऐसे में RCB में दूसरा बड़ा खिलाड़ी नहीं है। विराट को निकाल दे कप्तानी की रेस से, डुप्लेसिस को ना रिटेन करो तो RCB के पास ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक कप्तानी का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कप्तानी का कोई विकल्प तैयार ही नहीं किया है। अब क्या रोहित के लिए दाव लगाएगी RCB, इसके आगे एक सवाल लगा हुआ है। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो क्या रोहित शर्मा पे RCB बड़ा दाव लगाएगी? RCB ने 25 करोड़ अलग रख दिए हैं और मैं आपको बता दूं कि अंदर की जो खबरें सामने आई है, जो 100 करोड़ का पर्स है यानी जितने भी करोड़ का पर्स हो उसमें से RCB ने 25 करोड़ अभी से ही रोहित शर्मा के लिए अलग रख दिए है। रोहित के लिए 25 करोड़ तक जाएंगे और RCB फाइनल मन बनाया है कि रोहित शर्मा के लिए वो हद मार के 20 से ऊपर तक जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आखिरी बोली वो 25 करोड़ तक लगाएंगे। विराट रोहित की दोस्ती गहरी हो गई है, साथ ही विराट और रोहित की जो अब दोस्ती है, वो जो बॉन्ड है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। अगर 2-3 साल पहले की हम बात करें तो शायद एक दूसरे के साथ कभी खेलते हुए आपको IPL में नजर नहीं आते थे, लेकिन आज की जो तस्वीरें है उसमें पॉसिबल है कि रोहित की कप्तानी में खेलेंगे विराट, ये क्वेश्चन मार्क है। और क्या रोहित की कप्तानी में विराट कोहली खेलना चाहेंगे? देखिए, पास्ट जो भी था लेकिन आज प्रेजेंट बहुत अच्छा है और फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है, तो ऐसे में विराट को अब कोई दिक्कत नहीं है। विराट ने भी RCB मैनेजमेंट को क्लियर कर दिया है कि भाई मुझे रोहित शर्मा की कप्तानी में RCB में खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। RCB की ब्रांड वैल्यू तेजी से बढ़ेगी। अगर मान लीजिए रोहित शर्मा आ जाते हैं RCB में तो RCB की ब्रांड वैल्यू तो अभी से ही बहुत ज्यादा है। वो खिताब नहीं जीत पाए लेकिन सोचिए कतर एयरवेज जैसी कंपनी आकर उनको स्पॉन्सर कर रही है, तो अपने आप में ये बड़ी बात है। तो ऐसे में अब अगर रोहित आ जाते हैं RCB में तो उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि रोहित शर्मा के फैन फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड में है। इंडियन क्रिकेट में विराट के बाद अगर कोई दूसरा प्लेयर जिसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है करेंट में, वो रोहित शर्मा है। तो ऐसे में सोचिए कितने फैंस वो लेकर आएंगे, कितनी ब्रांड वैल्यू आएंगे। MI के फैंस RCB के साथ आ जाएंगे, साथ ही रोहित जहां पर भी जाएंगे उनके फैंस वहां पे जाएंगे। पिछले 10-11 सालों से लगातार MI को सपोर्ट कर रहे हैं। रोहित अगर इधर से RCB आएंगे तो फैंस भी उठकर आएंगे और सीधा RCB को सपोर्ट करने लगेंगे। सोचिए RCB अभी यहां पे है बिना कोई खिताब जीते हुए, रोहित के आते ही RCB कहां पहुंच जाएगी, वो भी बिना कोई खिताब जीते हुए। खिताब जिता दिया तो अलग बात है, MI ने रिलीज किया तो ऑक्शन में आएंगे, लेकिन ये तभी हो सकता है जब मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को रिलीज कर दे। अगर रिटेन नहीं करते हैं और रिलीज करते हैं तभी ऑक्शन में आएंगे। लेकिन अब मुद्दा ये है कि RCB का रोहित शर्मा को कप्तान बनाने में और रोहित को RCB में जाने का, खबरों के मुताबिक MI रोहित शर्मा को रिलीज नहीं करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं करेगी, थोड़ा पीछे जाते हैं 6-7 महीना पीछे या फिर 1 साल पीछे, जब मुंबई ने हार्दिक को लेकर आए, हार्दिक को कप्तान बनाया, तब से लेकर IPL 2024 तक मुंबई के जो फैंस थे उन्होंने हालत खराब कर दी थी MI की भी और कप्तान हार्दिक पांड्या की भी। तो ऐसे में MI वाले भूल के भी दोबारा नहीं करेंगे। रोहित भी मुंबई इंडियंस को छोड़ना नहीं चाहते, वो इसलिए कि अपने आखिरी 2 या 3 साल के क्रिकेटों में कौन अंबानी ग्रुप से बैर लेगा। अब इतने साल खेल लिए तो 2-3 साल और निकाल देंगे, तो ऐसे में रिटायरमेंट अच्छा हो जाएगा जब तक रोहित शर्मा IPL खेलेंगे। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।